नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप जो है घर बनाने का प्लान कर रहे हैं और घर बनाने की सोच रहे हैं तो याद रहे कि आपको कौन कौन सा स्टेप से गुजरना पड़ेगा, पहले क्या करना है जिससे कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है मूर्ख ना बना सके। तो हम जो आज जो शुरू करेंगे कि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ हाउस, तो पहला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इस सीरीज़ में आपको जो है देखना है। और नॉर्मली तो हर किसी को पता है कि हाँ घर ऐसे 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 बन जाता है, कहीं देखा होगा कहीं सुना होगा, लेकिन उस चीज़ को बोलते क्या हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मेरा बहुत जल्द जो है एक वीडियो सीरीज आने वाला है जिसमें कि आपको जो हर एक चीज़ का रेट एनालिसिस, जो कि हर कोई जानना चाहता है घर बना रहे हैं तो कितना मेरा खर्चा पड़ेगा, तो एक फुटिंग में कितना खर्चा होगा, एक आपका जो है कॉलम में कितना खर्चा होगा बनाने में, चाहे स्लैब ढालने में कितना खर्चा होगा, थोड़ा सा रेट जो है डिफरेंस डिफर होगा। जहाँ अगर मतलब 500 लग रहा है वहाँ 600 लग सकता है, तो ये थोड़ा डिफर होगा। लेकिन जो एक आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आप जो घर बनाने का जो प्लान कर रहे हैं उसमें आपको कितना खर्चा होगा। तो मेरा हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इसमें है कि पहला स्टेप जो है, जब भी जो है आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो जिस एरिया में बनाने, आपका जहाँ ज़मीन है, पहले वो वहाँ पर ये देख लीजिए कि वो पूरा लेवल में है कि नहीं है, ठीक है। एज पर जितना आपका ज़मीन है, मान लिया कि आपका ज़मीन जो है 30 बाय 40 फीट का, इस ज़मीन के अनुसार आप पहले जो है किसी अच्छे इंजीनियर से आप जो है ड्राइंग बनवा लीजिए। ड्राइंग बनवा करके आप जो है ड्राइंग्स कितना फ्लोर का आपको चाहिए, अपना रिक्वायरमेंट उसको बता दीजिए और कितना रूम चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि हाँ कि इतना एरिया में जो आपको जो है 3 रूम आएगा चाहे 2 रूम आएगा, फिर आपको उसमें क्या क्या चाहिए, पार्किंग चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आप इसमें से जो है कुछ एरिया आप जो है चारों साइड छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, 1.5 फीट या 2 फीट, वो सारा चीज़ आप उसको बता दीजिए और उस हिसाब से आपको घर का नक्शा प्रिपेयर करके देगा। तो पहला प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन एंड लेवलिंग। तो आप फिर उसके बाद ज़मीन का सर्वे कीजिए, करवाइए कि वो लेवल में है कि नहीं। और ये हो जाने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि एक्सवेशन एंड पीसीसी। तो आपको जिस एरिया में, अगर कॉलम का पोजीशन यहाँ आया तो इस एरिया में आपको जो है एक्सवेशन मतलब खुदाई करना है, जितना भी फिट का, 3 फिट का हो 4 फिट का हो 5 फिट का, जितना आपका फाउंडेशन है, खुदाई कर देने के बाद जो है उसके बाद आता है आपका जो है उसमें जो है पीसीसी कर दीजिए। पीसीसी करेंगे फिर उसके बाद जो है वहाँ पे फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन बना दी, रेनफोर्समेंट डाल करके, एज पर ड्राइंग के हिसाब से बता रहा हूँ जैसा आपको जो इंजीनियर ड्राइंग दिया। नहीं तो आजकल बहुत जगह क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो अपने मन से जो है करता है, नो इशू। कॉन्ट्रैक्टर को भी कुछ एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको जो है वो बहुत सारा घर बना चुका होता है, तो एक अगर एक माला दो माला घर बनाते हैं तो उसमें उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्लोर जाएंगे तब आपको एक अनुभव जो है एक्सपीरियंस इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगा। तो एक एक मंजिला चाहे 2 मंजिला घर बना रहे हैं उसमें आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं। तो फाउंडेशन जब कर देंगे तो जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं, ये मेरा ज़मीन वाला एरिया था, ठीक है। तो यहाँ जब पहले अब एक्सवेशन किए, हम एक्सवेशन किए, हम यहाँ पे 2 ठो यहाँ पे दिखाते हैं। एक्सवेशन करने के बाद जो है ये मेरा हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक्सवेशन किए तो इसमें जो एक्सवेशन के बाद हम पीसीसी किए, पीसीसी कर दिए। पीसीसी करने के बाद जो है फिर आपका जो है फाउंडेशन यहाँ पर डालना है, तो हम जो है फाउंडेशन भी डाल दिए, ठीक है। फाउंडेशन डाल दिए, इधर भी हम जो है फाउंडेशन डाल दिए, ठीक है। फाउंडेशन हो जाने के बाद जो है बैक, अब जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका, यहाँ पे इसको आप जो है इसको जो है बैक फिलिंग कर दीजिए, पूरा फिल
फिल कर दीजिए, बैक फिलिंग आपका जो है मिट्टी फिर से जो खुदाई किए थे फिर उसको जो है डाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं बैक फिलिंग, और अगर आपका जो कुछ अगर लेवल अप डाउन है तो आप इसके नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर बनाना चाहते हैं ये आपका फ्लोर लेवल ग्राउंड फ्लोर लेवल, तो वहाँ पे आपको ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है इसके नीचे ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ये जो मेरा जो फाउंडेशन जाएगा इसके नीचे आप जो है ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिक वर्क होने के बाद जो है उसके बाद क्या आता है, मेरा बैक फिलिंग और ब्रिक वर्क मशीन हो गया, फिर प्लिंथ बीम। तो यहाँ पे आप जो है प्लिंथ बीम दे दीजिए, ठीक है। प्लिंथ बीम दे दिए, प्लिंथ बीम दे करके उसको जो है आरसीसी आप कास्टिंग कर दीजिए, प्लिंथ बीम दे करके आप कास्टिंग कर दीजिए। उसके बाद अब जो है कॉलम ऊपर बढ़ाना है, तो इस कॉलम को जो है ऊपर तक बढ़ा दीजिए। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्टर को जो आसान होता है वो क्या करता है ना, पहले ब्रिक वर्क कर देगा, पहले जो है ब्रिक वर्क कर देगा, ठीक है। ब्रिक वर्क करने के बाद तब जा करके वो लोग क्या करता है, एक कॉलम बनाता है। ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलिंग कॉलम बना लिए, फिर ब्रिक वर्क किए, चाहे पहले ब्रिक वर्क कर दीजिए फिर बाद में कॉलम बनाइए, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद जो है जहाँ पे मेरा जो है डोर आ रहा है, जहाँ पे मेरा मान लीजिए इस एरिया में मेरा डोर आ रहा है, ठीक है, जिस एरिया में आपका जो है डोर आ रहा है, डोर चाहे विंडो आ रहा है, तो उस एरिया में आपको क्या करना है कि ये छोड़ देना है। एक वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, लिंटल बीम, जिस एरिया में डोर और विंडो आ रहा है वहाँ पे देते हैं हम लोग जो है लिंटल ओवर डोर एंड विंडो। तो यहाँ पे जो है ये मेरा अगर मान लिया जाए मेरा ये हो गया डोर, ये मेरा हो गया विंडो, तो इसके ऊपर ही जो हम लोग जो है डालते हैं लिंटल, लिंटल ये हो गया, ये है लिंटल, ठीक है। ये हो गया आपका विंडो, ये हो गया डोर, ये हो गया विंडो, ये हो गया ब्रिक वर्क, ये हो गया ब्रिक वर्क, और ये हो गया कॉलम, ये और ये हो गया आपका ये जो है प्लिंथ बीम, और ये हो गया आपका फुटिंग, और ये भी आपका ब्रिक वर्क हो गया। तो अब जो है डोर और विंडो जब डालेंगे, डोर विंडो के ऊपर जब लिंटल डालें, बहुत लोग क्या करता है कि लिंटल लेवल में भी बीम डाल देता है, लिंटल की जगह पूरा बीम। तो आप यहाँ पे जो है बीम भी डाल सकते हैं, यानी तो सिर्फ यहाँ तक जो है वाले लिंटल डाल दीजिए, फिर इसके ऊपर जो है ब्रिक वर्क कर दीजिए, ठीक है, आपका फ्लोर लेवल तक। तो जब यहाँ पे आप जो है ब्रिक वर्क करेंगे, तो ब्रिक वर्क करने के बाद जो है फिर आप बात करते हैं लिंटल हो गया, फिर अपर फ्लोर स्लैब और विथ बीम। तो अब इसके ऊपर जो है अब मेरा जो है स्लैब कास्टिंग कर देना विथ बीम के साथ, ठीक है। ये आपका जो है स्लैब हो गया, ठीक है। अब स्लैब तक आ गए, तो स्लैब और इसके ऊपर क्या करना, आपको जो है 3 से 4 फुट का जो है पारापेट वाल दे दीजिए। हम यहाँ पे आपको सैंपल रफ स्केच में आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो अब क्या करना है, डोर एंड विंडो फ्रेमिंग ये हो जाने, ब्रिक वर्क हो जाने के बाद जो है इसमें डोर और विंडो फ्रेमिंग लगा देना। डोर और विंडो फ्रेम जब लगा देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमको ये देखने लेना है इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग जो है किधर से जा रहा है। ब्रिक वर्क कभी हम आजकल तो सब कुछ कंसील करके हम लोग करते हैं, तो ब्रिक वर्क के अंदर से हम लोग जो है जितना भी है
इलेक्ट्रिक का जो पाइपलाइन लेके जाते हैं, तो आप ब्रिक को काट करके जो है आप वहाँ से पाइपलाइन ले सकते हैं। और दूसरा प्लम्बिंग भी जो आप जो है पूरी अच्छी तरीके से फिटिंग कर लीजिए। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जब ये हो जाएगा तब उसके बाद जो है प्लम्बिंग ओनली आपको पाइपलाइन आउटलेट इनलेट पाइपलाइन फिटिंग करना है, आपका उसमें जो है जितना भी सैनिटरी आइटम वो नहीं करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग जो कर देता प्लास्टर, तो सारा वाल को जो है प्लास्टर कर देना है चारों साइड से, अंदर और बाहर सब जगह, अंदर और बाहर, ठीक है। प्लास्टर करने के बाद क्या करें, आप जो है टाइल का काम शुरू करें फ्लोर में जो है। अगर आप टाइल लगाना चाहते हैं तो टाइल लगवा सकते हैं, लेकिन आजकल नॉर्मली जो हर कोई जो टाइल, पहले क्या होता था ये कि पहले जो है पक्की करके उसमें जो है पनिंग चढ़ा करके जो है फ्लोरिंग करता था, लेकिन अब जो है लोग टाइल लगाना पसंद करते हैं जो देखने में और क्लीन करने में भी अच्छा लगता है। तो अब उसके बाद आएगा पेंटिंग, पेंट और पुट्टी। उसके बाद अंदर बाहर सब जगह जो है पुट्टी उट्टी मार करके, रंग मार करके ओके कर दीजिए। ये सब हो जाने के बाद तब जा करके, मेरा यहाँ तो विंडो और डोर का फ्रेम लग गया और मेरा पाइपलाइन बैठ गया, उसके बाद तब जा करके आप जो है वुड का काम कीजिए, वुड वर्क एंड फिक्चर फिटिंग। इसमें आप डोर लगा दीजिए, विंडो लगा दीजिए, उसमें तो बस तो उसका कसना होता है, ज़्यादा उसमें माथा पच्ची है नहीं। और फिर आप जितना भी सैनिटरी आइटम है, फिर हार्डवेयर आइटम है, हार्डवेयर आइटम की अगर बात करें तो जो आपका लॉक सिस्टम होता है वो सब सारा चीज़, ये सारा चीज़ जब कर देंगे तो आपका एक प्रॉपर जो है घर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आप तो इसमें समझ ही गए होंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है मुझे क्या क्या करना है। तो आप इस हिसाब से जो है एक मोटा मोटी अनुमान लगा लीजिए कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ बनेगा। फिर उसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी खर्चा है, मेटेरियल का भी खर्चा है, ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आप जो है अपना घर बनाना चाहते हैं, हाउस बनाना चाहते हैं, क्या क्या जो है स्टेप है आपको क्लियर हो गया। तो देर किस बात की कर रहे हैं, तो जल्द अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो शुरू तो कर दीजिए। और रेट उसमें खर्चा कितना लगेगा हम बहुत जल्द जो आपके सामने वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर उसको जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ख़ास करके अगर आप चैनल हम पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में जो है ना एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी जो है क्लिक कर देना है। तो उससे बेनिफिट क्या है ना कि जब जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले जो है ना आपको नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो वहाँ देखिए ना वो दहाज दिख गया ना, तो उसको जो है क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है ना कि जब जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा ना तो सबसे पहले क्या होगा ना आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।